वेलकम दोस्तों। दोस्तों जी मेंस के लिए आप पढ़ाई तो कर ही रहे होंगे, लेकिन कुछ और बातों को हम दिमाग में रख कर अपना सिलेक्शन करवा सकते हैं या सिलेक्शन के चांसेस को मल्टीफोल्ड यानी दुगना या तिगुने तक भी बढ़ा सकते हैं, और कुछ बातें हम इसकी गहराई को समझे तो आज हम वही समझेंगे और उन चीज़ों को पकड़ेंगे जो हमारे चांसेस को डबल या ट्रिपल करेंगे। तो पूरा वीडियो देखिए, अंत तक देखिए, आपको मिलेंगी बहुत ही हेल्पफुल और इफेक्टिव टिप्स। मैथ्स, फिजिक्स और मोटिवेशन पे लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए अरविंद एकेडमी चैनल और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिए। ऑप्शन अगर मिलता है तो उसमें ऑल करके ओके करिए। चलिए शुरू करते हैं। देखिए जी मेंस की प्रिपरेशन तो आप कर ही रहे होंगे, हार्डवर्क कर ही रहे होंगे, लेकिन किन बातों का हम ख्याल रख सकते हैं जिससे हमारे चांसेस दुगने या तिगने हो जाएं? तो देखिए मैं कुछ बातें आपके सामने लेके आता हूँ और आप भी एग्री करेंगे कि नहीं, ये बिल्कुल ठीक बात है। देखिए हमें जो क्वेश्चंस मिलते हैं जी मेंस में, आपको मालूम है 30-30 फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स के आते हैं, टोटल 90 क्वेश्चंस होते हैं और हर क्वेश्चन का 4 नंबर के क्वेश्चंस होते हैं। करेक्ट आंसर करने पे +4 और गलत आंसर करने पे -1 का मार्किंग सिस्टम है, ये फॉर्मेट है एग्जामिनेशन का। और जो समय मिलेगा आपको वो मिलता 180 मिनट्स, 180 मिनट का आपको समय मिलेगा। यानी अगर हम इस 90 क्वेश्चंस को 180 को 90 से डिवाइड कर दें तो हर क्वेश्चंस पे हमें कितना वक्त मिलने वाला है? केवल 2 मिनट। 2 मिनट में हमें क्वेश्चंस पढ़ भी लेना है, समझ भी लेना है और उसको सॉल्व करके टिक भी कर देना है। ये सारी बातें हमको 2 मिनट में करनी है। अब ये देखिए जो 90 क्वेश्चंस आते हैं ना, इनका जो फॉर्मेट है उनमें से 60%, मोटे तौर की बात कर रहा हूं कि 60% ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो एवरेज क्वेश्चंस होते हैं, जो नॉर्मल क्वेश्चंस होते हैं, जो बेसिक्स पे होते हैं। अगर आपने अच्छे से पढ़ाई की है तो उसमें से थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी आएंगे। आप 60% पकड़ रहे हैं तो 20% थ्योरी पकड़ सकते हैं और 40% न्यूमेरिकल। तो थ्योरी वालों तो कॉन्सेप्चुअल बेस्ड, अगर आपको आता है तो तुरंत टिक कर देंगे, उसमें ज़्यादा समय नहीं लगता, और कैलकुलेशन में थोड़ा समय लग सकता है। तो 60% यानी 54 क्वेश्चंस, 60% 90 का निकालेंगे तो 54 क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो एवरेज होते हैं, जो आप फॉर्मूला में रख के भी सीधे आंसर निकाल सकते हैं, जो आपको दिक्कत नहीं देंगे। और इन 54 क्वेश्चंस पे अगर आप टारगेट कर देते हैं तो 4 मार्क का एक क्वेश्चन है और 54 क्वेश्चंस हैं, यानी 216 मार्क्स आपके हाथ में आ सकते हैं। और समय कितना खर्चा होगा 54 क्वेश्चंस के लिए, क्योंकि ये क्वेश्चंस नॉर्मली 1.5-2 मिनट में आपके हो जाएंगे। तो अगर दो मिनट का मैं एवरेज लेके चलूं तो 54 क्वेश्चंस पे जो आपका समय लगेगा 2 मिनट के हिसाब से, वो लगेगा 108 मिनट। यानी उसके बाद भी 180 मिनट में से 72 मिनट्स आपके हाथ में रहेंगे। 72 मिनट्स का मतलब होता है 1 घंटा एंड 12 मिनट्स, आप समझ रहे होंगे मेरी बात। तो इस चीज़ को अचीव अगर आप कर लें, 216 नंबर भी अगर आपके आ गए, तो मोटे तौर पे, अंदाजे के तौर पे आप ऐसा पकड़ सकते हैं कि आपकी रैंक 3,500 में लग जाएगी। 3,500 की रैंक 216 में बन जाएगी। नॉर्मल आप ये मान के सकते हैं कि जो कट ऑफ जाएगी वो 115 या 120 मार्क्स पे जाएगी। पेपर थोड़ा सा 19-20 आता है तो वो कम भी हो जाती है, पिछले साल कट ऑफ कम हो गई थी, लेकिन अपने लिए ये एज्यूम कर लेना बेहतर होगा कि कट ऑफ 115 जाने वाली है। वहाँ पे अगर आप 216 नंबर अचीव कर रहे हैं तो आप ये बिल्कुल मान सकते हैं कि 3,500 या 4,000 आराम से आपकी रैंक लग जाएगी। और यही क्यों, आप और पढ़ेंगे तो और नंबर आगे बढ़ जाएंगे, है ना। अब ये जो क्वेश्चंस मैंने बताया ये देखने में तो सरल है, लेकिन इसको करेंगे कैसे हम लोग? समय भी बच रहा है, बाकी क्वेश्चंस भी ट्राई करेंगे। तो देखिए आपके पास जब क्वेश्चन पेपर आए, क्योंकि ये जो इसमें 54 क्वेश्चंस है ना 90 क्वेश्चंस में, तो बचे हुए क्वेश्चंस कितने हो गए? बचे हुए हो गए 36। तो 36 क्वेश्चंस में क्वेश्चन लेंथी हो सकते हैं और थोड़े से अलग टाइप के हो सकते हैं, जिसमें थोड़ा सा आप परेशानी फील करें। कुछ क्वेश्चंस होंगे किंग कॉन्ग स्टाइल के, 5-7 क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं, होते हैं, जो मुश्किल होंगे। आपको ये पता करना है पढ़ने के बाद कि इनसे टकराना नहीं है। देखिए पूरे क्वेश्चन पेपर में करना क्या है हमको, अगर हमें क्वेश्चन पेपर मिले तो हमें स्क्रीनिंग कर लेनी फटाफट 5-10 मिनट में कि कौन कौन से क्वेश्चंस हैं, ढूंढ लेना है पढ़ते ही कि वो एवरेज वाली कैटेगरी में यानी 60% वाली कैटेगरी में फॉल कर रहे हैं। ये पहचानना बहुत ज़रूरी है।
अगर आप वो पहचानने में चूक जाएंगे तो हो सकता है जो डिफिकल्ट क्वेश्चन हो सकता है जो किंग कॉन्ग वाला क्वेश्चन हो, वो चौथे नंबर का सवाल निकल आए और वो 2 मिनट की जगह आपका 5 मिनट, 8 मिनट, 10 मिनट बर्बाद करा दे। आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी गिरा देगा क्योंकि निकलेगा नहीं और समय भी खा जाएगा। तो इस पेपर में ये बहुत ज़रूरी है दिमाग लगाना कि स्क्रीनिंग के बाद आप क्वेश्चन छांट पाएं। आप 3 कैटेगरी के क्वेश्चंस बना लीजिए दिमाग में, एक वो जो एवरेज है जिनकी जो 60% या 54 क्वेश्चंस के आसपास मिलने की संभावना है, एक वो जिनसे आप टकरा के निकाल लेंगे इससे थोड़े से मुश्किल, उसको गोला लगा लीजिए आप, और तीसरे वो क्वेश्चन जो आपको लगते हैं कि आपकी समझ में नहीं आ रहे हैं तो उसको आप करिए क्रॉस लगा लीजिए, और इसी रणनीति के तहत जिस पे कोई निशान नहीं लगाया इन एवरेज क्वेश्चंस उनको पहले करते चले जाइए, क्योंकि आप जान रहे हैं कि उसको आप आसानी से कर लेंगे। और फिर गोले वाले जब ये सवाल खत्म हो जाए तो 1 घंटा 12 मिनट बचा है, फिर वो गोले वाले पे आ जाइए, वो भी आप अगर बना लेते तो बहुत सुंदर बात है, और उसमें से फिर आगे बढ़ जाइए, आप क्रॉस वाले पे आ जाइए। लेकिन सबसे अहम चीज़ क्या है कि क्वेश्चन पेपर में स्क्रीन करना और स्क्रीन करके डिसाइड कर लेना, पहचान लेना, ढूंढ लेना कि इस पेपर में 54 क्वेश्चन छुपे कहाँ हैं, क्योंकि ये 90 में छुपे हुए हैं, आपको पिक एंड चूज करना पड़ेगा। तो ये आपको बहुत तेज़ी से आपको स्ट्रेटजी प्लानिंग करनी पड़ेगी, आप करेंगे तो ज़रूर आपको बहुत ही तगड़ा फायदा होगा। और एक बात पे आपको गौर करा दूं कि अगर मान लीजिए कोई क्वेश्चन ऐसा है जो आपको लगता है एवरेज है, आप निकाल लेंगे, आपने उसको सॉल्व करना शुरू किया, शुरू करके जब फाइनल आंसर पे पहुँचे तो आपने देखा ए बी सी डी में से कोई मैच नहीं कर रहा, ऐसा अक्सर हो जाता है कि आपका आंसर मैच नहीं कर रहा है, तो फिर आप कहते हैं गलती कहाँ हुई चेक कर लो। तो इस प्रोसेस को भी ना यूज़ करिए। देखिए पहले क्वेश्चन करने में ही 2 मिनट खर्चा हो चुके हैं आप मोटे तौर पर मान लीजिए जो आ रहा था, और रिवीजन करने जाएंगे तो 2 मिनट की जगह 4 मिनट और खर्चा हो जाएंगे, तो वो सवाल क्या करेगा, 6 नंबर खा जाएगा आपके, 6 मिनट खा जाएगा आपके। तो अगर ऐसा हो उस पर निशान लगा दीजिए, आप कोई डॉट लगा दीजिए कसके, या आप डबल टिक मार दीजिए, कुछ ऐसा निशान लगा दीजिए कि ठीक है मैं पहले कर लेता हूँ जो मेरे लाए मेरे वाले क्वेश्चन हैं एवरेज वाले, उसके बाद समय दोबारा मैं लौट के इस पर आऊँगा, फिर इसको रिवाइज करके करने की कोशिश करूँगा। देखिए ये जो जी मेन्स का एग्ज़ाम है ना, ये आपके लिए बहुत ही, इसमें एडवांस जैसा लेवल नहीं होता क्वेश्चंस का, लेकिन आपकी पढ़ाई के बाद आपकी समझदारी बड़ी काम आती है। अगर आप समझदारी के साथ पेपर करेंगे, स्ट्रेटजी के साथ करेंगे, तो इसको इसमें रैंक लाना बहुत मुश्किल नहीं होगा आपके लिए, आप मेरी बात पकड़ पा रहे होंगे। NITs वगैरह अच्छे रैंक्स पे अच्छी NITs भी मिल जाती हैं आपको। तो आपका पहला एम क्या होना चाहिए कि इसमें क्वेश्चंस पिकअप करना। अच्छा ये भी बहुत प्रेशर लेके घर से नहीं जाना है आपको कि नहीं मुझे रैंक चाहिए 100, 100, 500, 1000। तो उसमें क्या होगा, मान लीजिए 2-3 क्वेश्चन शुरू में ऐसे मिल गए जिसने तंग किया आपको या नहीं निकले, तो आपको अंडर प्रेशर ले आएंगे और प्रेशर में आप सही डिसीजन नहीं ले पाएंगे, आप चूज ही नहीं कर पाएंगे। ये समझ लीजिए कैसा है ना, ट्रेजर हंट जैसी कहानी है, जैसे होता है ना गेम होता है कि खजाने को खोजो, तो खजाने को खोजने में कई ऐसे हर्डल्स होते हैं जो आपके लिए बहुत मुश्किल हो सकते हैं, और कई ऐसे हर्डल्स होते हैं जो कि आसान होते हैं, लेकिन आपको एक छूट दी गई है ट्रेजर हंट के अंदर कि आप किसी भी हर्डल को छोड़ सकते हैं, करने सब हैं, लेकिन किसी को भी पहले करें या बाद में करें ये आपके ऊपर है। तो आप शुरुआत वाले, क्योंकि समय लिमिटेड है, शुरुआत में वो क्वेश्चन चूज़ कर लीजिए जो आप आसानी से, उस हर्डल को चूज़ कर लीजिए जिसको आसानी से पार कर सकते हैं। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, एकदम ध्यान रखिएगा कि जो नॉर्मल कई क्वेश्चन तो ऐसे होंगे जो आपको पढ़ के देख के ऐसा लग सकता है कि अरे ये क्वेश्चन तो जी मेंस के लायक ही नहीं है, ये तो बोर्ड्स के भी लायक नहीं लग रहा, बहुत सरल है भाई, ऐसे क्वेश्चन भी आपको मिलेंगे और किंग कॉन्ग वाले भी मिलेंगे जो आप पढ़ेंगे और कुछ समझ में नहीं आएगा ये कह क्या रहा, पूछ क्या रहा, क्योंकि क्वेश्चन को पढ़ने में भी 15-20 सेकेंड तो जाता ही जाता है। तो ये बड़ी अहमियत वाली बात है कि आप अपने क्वेश्चंस को पहचानिए और उन्हीं क्वेश्चंस को पहले लगाइए, भटकना नहीं है। मैं उन क्वेश्चंस की भी बात कर रहा हूँ जो परेशान करेंगे, मान लीजिए किसी क्वेश्चन में कैलकुलेशन बहुत लंबा है तो वो भी आपको आता तो है लेकिन ड्यू टू लॉन्ग कैलकुलेशंस आपको परेशान करने वाला है, तो उसको भी आप कैसा मान के चलेंगे कि टाइम खाने वाला है, तो उसको भी उसी तरह ट्रीट करेंगे कि हाँ ये डिफिकल्ट वाली कैटेगरी में जा रहा है जो समय आपका ज़्यादा खाने वाला है, तो उससे भी बचने की कोशिश करेंगे। देखिए पूरी कहानी में क्या कर रहा है, आपको झंझट से बचना है। झंझट का मतलब कि क्वेश्चन करने जा रहे हैं निकल नहीं रहा है,
ड्यू टू कैलकुलेशन, ड्यू टू कॉन्सेप्ट, एनीथिंग। तो इसको पहले अवॉइड करना है, कोई झगड़ा नहीं चाहिए क्वेश्चन से, वो चाहिए जो फटाफट फटाफट मैं लगा लेता हूं। तो वही आप पकड़िए, चूज कीजिए, लगाइए और तीन कैटेगरी में जैसे आपने बांटा उस तरह रिमाइंड कीजिए और फिर लगाना शुरू कर दीजिए। इस तरह अगर लगाएंगे तो आपके मार्क्स, अगर आप पढ़ाई ठीक कर रहे हैं और इस स्ट्रेटेजी के साथ जाते हैं, तो 216 नंबर तो सीधे सीधे हमको दिखते हैं, और बाकी आप प्लस और करने वाले हैं तो 240 नंबर, 250 नंबर तक आप ले आते हैं अगर अपनी पढ़ाई करने के बाद इस स्ट्रैटेजी या प्लान को लगा के, तो आपकी 250 नंबर के आसपास अगर आपके आ जाते हैं 240-50, तो बहुत ही अच्छी रैंक लग सकती है आपकी, 2000 रैंक लग सकती है। मुझे तो लगता है 250 पे आपके 1000 रैंक लग जाएगी। 2017 में ऐसा ही था, 250 एवव आने पे आपके 1000 से कम वाली रैंक शुरू हो गई थी। तो इस तरह आप बहुत ही अच्छा अपना स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। फिर से मैं ध्यान दिलाऊंगा कि आपको क्वेश्चन पेपर मिलने के बाद तुरंत स्क्रीनिंग करनी है, वो क्वेश्चन तीन कैटेगरी में क्वेश्चंस को बांट लेना है। पहले वो कैटेगरी चूज करनी जो एवरेज वाले हैं, जिसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं होती, वैसे क्वेश्चंस बहुत होते हैं 60% तक। उसके बाद कैटेगरी बी को गोला लगा लीजिए, कैटेगरी सी को क्रॉस लगा लीजिए, जो आप किंग कॉन्ग वाले क्वेश्चंस होंगे। तो इस तरह से इसको करिए, और कोई भी क्वेश्चन अगर अटक रहा है तो उस पर समय वेस्ट ना कीजिए, अगले क्वेश्चन पर जाइए। कोई क्वेश्चन नहीं अटक रहा है, हो गया है, उसका आंसर नहीं मैच कर रहा है ABCD में, तो भी छोड़ दीजिए, बाद में देखिएगा। आप बिल्कुल दाएं दाएं निकालते चले जाइए, लास्ट में जो समय मिलेगा एक घंटे का, एक घंटे 12 मिनट का, या मोटा मोटा एक घंटा पकड़ लें, उनमें कैटेगरी बी पे आ जाइएगा और उनको करने की कोशिश कीजिएगा। तो इस तरह आप लगाइए, आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो ज़रूर लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। Wish you all the best. Have a nice day.